इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। और आपको बताते चलें कि उत्तरकाशी में गंगरानी के पास खाई में गिरी बस, इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से बता रहे हैं, जहां पर 6 लोगों की मौत हो गई है, 19 लोग घायल हुए हैं। प्रशासन और एसटीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद। सत्ताईस यात्रियों को सकुशल रेस्क्यू किया गया है, रस्सी की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, 01374-222-722-222-126, ये टोल फ्री नंबर है, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। सीएम धामी ने हादसे पर दुख जताया है, दिवंगत आत्माओं को श्री चरणों में स्थान दे कहा और उनके परिजनों को इस कष्ट को सहने की शक्ति दें। ये स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दें कि ये हादसा आज उत्तराखंड में हुआ है नेशनल हाईवे पर, जहां उत्तरकाशी में गंगनानी के पास खाई में बस गिर गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई है और 16 लोग घायल हो गए हैं। आप देखिए किस तरह से यहां पर प्रशासन और एसटीआरएफ की टीम सभी को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है। समय का बहुत महत्व होता है, ऐसे में जितनी जल्दी घायलों को अस्पताल भेजा जाए उतनी ही संभावना बनी रहती है सही सलामत रहने की। आप तस्वीर में देख सकते हैं उत्तराखंड में पूरा जो रास्ता है वो खाई वाला है और ऐसे में बारिश हो रही है, जाहिर सी बात है फिसलन भी हो जाती है, विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, लैंडस्लाइड और साइड के जो किनारे किनारे मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, तमाम तरह की ऐसी संभावनाएं रहती हैं जब दुर्घटना की आशंका बढ़ जाती है। रस्सी की मदद से एसडीआरएफ हालांकि निकालने की कोशिश कर रही है, 6 लोगों की इस हादसे में मौत की खबर है, 19 लोग घायल हुए हैं, हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए। इस पूरे हादसे को लेकर सीएम धामी ने दुख जताया है। अधिक जानकारी के साथ विनीत जुड़ गए हैं। विनीत, ये हादसा कितने बजे हुआ और इसकी वजह क्या निकलकर सामने आई, किस वजह से, क्या ड्राइवर की लापरवाही थी या प्राकृतिक कोई आपदा या फिर कुछ और वजह रही? जी बिल्कुल, आपको बता दूं लगभग गुजरात के रहने वाले ये श्रद्धालु थे जो कि गंगोत्री धाम के दर्शन करके उत्तरकाशी के लिए वापसी कर रहे थे। अचानक गंगानी के पास अनियंत्रित होकर गए जो बस है वो खाई में गिरी है, जिसमें लगभग 37 लोग बताए जा रहे थे, जिसके साथ 7 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है और लगभग 28 लोगों का अभी जिला अस्पताल सहित गुजरात का रहने वाला था, यहाँ के जो रोड है उसका उसका आइडिया नहीं था चलाने का, या फिर ये उत्तराखंड की बस्ती और यहीं का ड्राइवर था? जी बिल्कुल, अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है क्योंकि लगातार रेस्क्यू चल रहा है, क्योंकि अभी धीरे धीरे लोगों को लाया भी जा रहा है और जैसा कि अब हालात पूरी तरह से जो रेस्क्यू है वो पूरा हो चुका है और जो हालात यहाँ पे दिख रहे हैं, क्योंकि जिला अस्पताल में पहुंचे जो जो पहुंच रहे हैं उनको ट्रीटमेंट चल रहा है और जैसे ही क्लियर प्रोग्रेस होता है उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि ये रहने वाले कहाँ के थे। जी नहीं, रहने वाले तो आपने बताया कि वो सभी गुजरात के रहने वाले थे, लेकिन हाँ ये आप थोड़ा सा इस पर अभी आपने बताया कि ड्राइवर कहाँ का था या बस कहाँ की थी, ये साफ नहीं हो पाया है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सीएम धामी ने कहा है और क्या किसी मुआवजे का ऐलान भी किया है? जी बिल्कुल, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही निर्देश कर दिए हैं और आपदा सचिव को इसकी मॉनिटरिंग करने के आदेश कर दिए हैं और साथ ही साथ लगातार रेस्क्यू लगातार जारी रहा और जल्द ही इसको पूरा भी कर दिया गया और अब स्वयं जिलाधिकारी जिला अस्पतालों में पहुंचकर सभी के हालात का जायजा ले रहे हैं और साथ ही साथ हेली सेवा की व्यवस्था भी रखी गई है, अगर किसी की ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है तो उनको तुरंत हेली सहायता से पहुंचाया जा सकता है। विनीत, जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पे ये हादसा हुआ है, क्या यहाँ पे अक्सर हादसे होते रहते हैं, ये क्या कुछ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या फिर जो बचे लोग हैं इस हादसे में, उन्होंने कुछ तो बताया होगा या कुछ जिक्र किया होगा कि किसकी लापरवाही रही या कोई ऐसा मोड़ होता है, क्योंकि अक्सर हम देखने को मिलता है कि कहीं सड़क ही ऐसी होती है जिसकी वजह से हादसे होते हैं या फिर गाड़ी अनियंत्रित होने की ब्रेक फेल, तमाम सारी चीजें होती है। तो गंगोत्री हाईवे
में लगातार भारी बारिश से जमीन पूरी तरह से कच्ची पड़ी हुई है, क्योंकि पहाड़ लगातार टूट रहे हैं। तो यहाँ पर लगभग दो बार भूस्खलन हुआ है और इस भूस्खलन से वहाँ पे जो डैमेज के ऊपर से स्पीड इतनी ज्यादा गाड़ी की हो जाती है कि यहाँ पर ब्रेक लगाने में भी काफी दिक्कतें आती है, जिससे भी हो सकता है कि अनियंत्रित जो गाड़ी नीचे हुई है उसे उसकी वो भी कारण हो सकता है। जी अविनीत, अक्सर हम देखने को मिलते हैं कि रोड के किनारे से भी जमीन इतनी भुरभुरी हो जाती है बारिश के कारण कि उस पर टायर जब जाता है तो कहीं ना कहीं हादसा होने का डर भी बना रहता है। विनीत, विनीत से संपर्क टूट गया। तमाम जानकारी के लिए विनीत बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो विनीत ने जो जानकारी दी है कि ये अभी तक साफ नहीं हो पाया कि बस कहाँ की थी या ड्राइवर की गलती, कहा यह चाह रहा कि अनियंत्रित हुई उसके बाद ये खाई में जा गिरी, लेकिन हाँ रास्ता जो था वो कहीं ना कहीं लगातार भूस्खलन की वजह से काफ़ी सकरा भी हो गया था और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि रास्ता ऐसा था कि हादसे अक्सर हो जाते हैं बारिश के मौसम में, तो जाहिर सी बात है। लेकिन अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये बस कहाँ की थी, लेकिन हाँ गुजरात के रहने वाले ये लोग थे जो कि इस हादसे का शिकार हुए हैं। तकरीबन 6 लोगों की मौत हो गई है। सीएम धामी ने इसकी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं और राहत बचाव कार्य कंप्लीट हो चुका है और सुविधा के लिए कि कहीं किसी मरीज को ट्रांसफर करना पड़ता है या रेफर करना पड़ता है तो ऐसे में एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है कि किसी भी कीमत पर किसी की और अब जान ना जाए या बीमारी के अभाव में कोई दम ना तोड़े, इसलिए सब कुछ व्यवस्था यहां पर प्रशासन के द्वारा की गई है।